नेताओं के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता यह है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहां सीपीआई एमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआई एमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआई एमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे? विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआई एमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पर नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है, नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपना देखिएगा, बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी एक बार को मान लीजिए तो 2,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है, तो 4,00,000 शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12,00,000 लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है, ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10,00,000 लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, कि आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी? कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं, कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10,00,000 लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया है? और तेजस्वी